अभिभाषण के समर्थन में जो बातें हमें रखनी है उसके लिए मैं खड़ी हूँ। लेकिन कुछ भी कहने के पहले अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि कल जो सदन में हुआ वो उसको पूरे देश ने देखा। कैसे एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति ने राज्य सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया, और वो अस्थिर करने के बाद जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें जब वो अपनी बातें कहने को आए, तो आप उस वीडियो रिकॉर्डिंग को देख लीजिए कि जब वो सरकार की उपलब्धि को बोलते थे तो बहुत ही कटाक्ष करते हुए उनकी आवाज थी और भाषा थी कि वो पढ़ तो रहे हैं लेकिन उससे वो सहमत नहीं है। इस तरह का आचरण मुझे लगता है कि देश के आज तक के इतिहास में किसी राज्यपाल के द्वारा नहीं किया गया। मैं अभिभाषण के समर्थन में बात तो रखती हूँ लेकिन जो झारखंड में हुआ, जो परसेप्शन ये लाने की कोशिश कर रहे थे, वह भी एक इतिहास रचा गया है। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों के यहाँ कहा जाता है कि सूरज की तरफ मुंह करके जब आप थूकते हैं तो वो थूक आपके मुंह पर गिरता है, और कल हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से भाजपा के एक-एक विधायक की नजरें शर्मिंदगी से झुकी हुई थी। इनकी हालत ऐसी हो गई है कि तमाम जो चुने हुए विधायक हैं, उनको ना चेहरा बना करके बाबूलाल जी को बाहर से ला करके, दूसरी पार्टी से ला करके, जिन्होंने पानी पी पी कर भाजपा को गाली दिया, कुतुब मीनार से कूदने की बात की, वैसे लोगों के सामने इन्हें झुकना और बैठना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस कमरे में बैठा हुआ कोई आज भाजपा को नहीं चला रहा, इस कमरे में बैठा हुआ एक व्यक्ति भाजपा को नहीं चला रहा है। भाजपा को चला कौन रहा है? भाजपा को चला रहा है कॉर्पोरेट दलाल निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे के इशारों पर आज केंद्र सरकार भ्रमित हुई, और ये ताता थैया जो कर रहे हैं उसका नतीजा इन्हें कल देखने को मिला। इनके खुद के विधायक रणधीर सिंह जी को कुछ सच्चाई के आसपास हैं, तो उन्होंने कम से कम हकीकत को सदन के बाहर जाके बयान देने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, सदन के बाहर जाके उन्होंने माना कि निशिकांत दुबे पार्टी से बड़ा नहीं, पार्टी बड़ी है और वो व्यक्ति छोटा है। झूठ भ्रामक खबरें फैला के सरकार बनने के पहले दिन से उस व्यक्ति ने वो आचरण दिखाया है, हमारे खरे सोने की तरह, जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल में भेजा इन लोगों ने तपने के लिए। मैं कहना चाहती हूँ, व्यक्ति जब बाहर निकल के आएगा तो वो कुंदन की तरह चमकता हुआ आएगा। इनके लाखों कोशिशों के बावजूद वो व्यक्ति कुंदन की तरह तप करके निकलेंगे। और कई सारी बातें हमारे अभी जो मुख्यमंत्री है आदरणीय चंपई सोरेन जी ने, कल पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने, और कांग्रेस के विधायक दल के नेता आलमगीर आलम जी ने कहा है। लेकिन मैं जरूर कुछ बातें जो अमर बावरी जी ने कही हैं उसके बारे में पूछना चाहती हूँ। बहुत ही हास्यपद उन्होंने बात की, और इस प्रकार से बात की, ये हिंदू धर्म के रक्षक हैं, हिंदू धर्म की बातें करके लोगों के भावना को भड़का करके ये आप वोट लेते हैं, और कल जो इन्होंने सदन में बात की ये बुद्ध धर्म की तरफ जाने के लिए क्या लोगों को प्रेरित कर रहे हैं? हिंदू धर्म की रक्षा इनसे किस प्रकार से की जा रही है मैं जानना चाहती हूँ। इन्होंने यह भी कहा
इन्होंने यह भी कहा अध्यक्ष महोदय कि आदिवासी नेता हो सकता है लेकिन वो आदिवासियों का नेता नहीं हो सकता है। मैं एग्जांपल आपको दूंगी कि इनके पार्टी में जो लोग ऐसे लीडर हैं जो आदिवासी नेता तो हैं, आदिवासियों के नेता नहीं है, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल जी शामिल हैं। दलित तो है, दलित नेता है लेकिन दलितों के नेता नहीं है। उसमें नाम अमर बावरी का आता है जिन्होंने पिछला चुनाव किसी और पार्टी से लड़ा और आज किसी और उस समय और किसी और पार्टी में जा करके मंत्री बन गए। अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में दलितों के कपड़े उतार कर उनके चुतड़ों को लाल किया जा रहा है और इनको शर्म नहीं आती यहाँ बैठे हैं। मुझे पता नहीं कि यह शब्द संवैधानिक है कि नहीं है लेकिन यही आज सच्चाई है। भीमराव अम्बेडकर की लिखी हुई संविधान का अपमान ये रोज रोज करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इनके यहाँ महिला नेता है, अध्यक्ष महोदय इनके यहाँ महिला नेता है लेकिन महिलाओं की नेता नहीं हो सकती। आप लोग थके हुए हैं मान्य सदस्य, आप लोग थके हुए हैं। स्मृति ईरानी सिलेंडर ले लेके नाच रही थी लेकिन मणिपुर में जब महिलाओं के कपड़े उतारे गए तो स्मृति ईरानी के मुंह पर सिप लग गया। अध्यक्ष महोदय, महिलाओं की नेता भाजपा की कोई महिला नहीं हो सकती। अंकिता भंडारी, चलिए हो गया आपका, हो गया का मामला इस वीआईपी की वजह से जांच से भी रुका हुआ है, वो बताने का कष्ट करें। मुसलमान भी है इनके पार्टी में, मुसलमान भी है पार्टी में इनके। मुख्तार अब्बास नकवी मुस्लिम नेता हो सकते हैं लेकिन वो मुसलमानों के नेता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो माननीय सदस्य हो गया आपका समय हो गया माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय हो गया, दो मिनट समय दीजिए। अध्यक्ष महोदय, ये कॉर्पोरेट दलाल ऋषिकांत दुबे, चलिए हम लोग को एक साल तक साथ रहना है। चलिए बट आप अपने अपना बातों के क्रम में इस बात को बोलेंगे। चलिए जब आपका बोलने का बारी आएगा ना तो आप इस बात का जवाब देंगे। आपका भी समय है। चलिए सुदीप्त कुमार सोनू जी। धन्यवाद माननीय विपक्ष के साथियों से करबद्ध प्रार्थना। बैठिए ना। आप अपने क्रम में बोलिएगा ना, आप अपने बातों में बात रखिएगा, अपने बातों में आपको भी स्वाधीनता है रखने का, आप रखिएगा बात। विपक्ष के साथियों से करबद्ध प्रार्थना होगी, अपने आसन पर चले जाए। बैठिए, आप अपने बातों के क्रम में इस बात को रखिएगा। चलिए बैठिए माननीय, बैठिए माननीय विधायकगण, अपने आसन पर चले जाए, कृपया करबद्ध प्रार्थना है आपसे। आप लोग आक्रामक हो गए इसमें हमको तकलीफ नहीं है लेकिन सीपी बाबू को भी आक्रामक कर दे रहे हैं। सर माननीय अध्यक्ष महोदय, आज एक मिनट सुदीप जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज एक मिनट, नेता प्रतिपक्ष जब खड़ा होते हैं ना तो हमारा बाध्यता हो जाता है, उनको बुलवाना पड़ेगा। बोलिए अमर जी, नेता प्रतिपक्ष बोलिए, क्या बोल रहे। नेता प्रतिपक्ष जब खड़ा हो जाते हैं तो आसन का बाध्यता हो जाता है उनको बोलने देने के लिए। ठीक है, आपको भी देंगे। बोलिए अमर जी, बोलिए आप बोल लीजिए। देखिए, यहाँ महिला हो या पुरुष हो, सारे लोग मान्य सदस्य हैं। चलिए अमर जी, आप बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये सभी महिला जनप्रतिनिधि है,
और सभी जनप्रतिनिधि, चूंकि एक महिला ने शब्दों का प्रयोग किया है और ये लाइव चल रहा है, पूरे देश दुनिया के लोग देख रहे हैं, जिस भाषा का प्रयोग, जिस मर्यादा का प्रयोग किया है, वो भारतीय नारी का वो भाषा, वो संस्कृति हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता भारतीय नारी और भाषा। और इसलिए इस सदन का, इस झारखंड का मर्यादा और भाषाओं के मान मर्यादा के लिए उनको माफी मांग लेना चाहिए। मोदी विरोध में, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, दलित और आदिवासियों के विरोध में ये सामंतवादी सोच के लोग, ये जो सामंतवादी सोच के लोग जिसका प्रदर्शन कांग्रेस कर रहा है, कांग्रेस आजादी से लेकर के अब तक, ऐसे ही दीपिका पांडे जैसे लोग के कारण ही आज दलितों और आदिवासियों को, कल मैंने विस्तार से बताया था, उसको अपने पांव की जूती समझता है। और ये कांग्रेसी बाबा साहब अम्बेडकर को दिल्ली में दफनाने के लिए 2 गज की जमीन नहीं दी, वो कांग्रेसी क्या बात करेगा बाबा साहब अम्बेडकर के, हो गया, जिसको भारत रत्न देने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को 50 साल के बाद करना पड़ा, वो कांग्रेसी क्या बताएगा दलित और आदिवासियों को, हो गया। इसलिए महोदय इसको स्पंद किया जाए और हम सब का मानना है, अच्छा, उससे जो है असंसदीय शब्द उनके मुंह से फिसल गए, माफी मांगने लेके आए, पूरा कांग्रेस को माफी मांगना, मैंने कह दिया, आपका बात मान लिया, अब नहीं, अब सुनिए बात, मैं आपको दे रहे हैं बात, सुदीप, सुदीप का नाम पुकारते हैं, आपको दे रहे हैं, अध्यक्ष जी, आपको देंगे, आप बटन, आपको देंगे, चलिए चलिए।